देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। विजय सर तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कहना है क्या, शायद ही कुछ घर में हम लोग को पढ़ने का जरूरत पड़ता है। सर जैसे पढ़ाते हैं, यानी कि जैसे सर पढ़ाते हैं 75 मार्क्स एग्ज़ाम होता है, 70 में 70 आना चाहिए। सर ऐसा पढ़ाते हैं जो भी क्लास में बताते हैं हम लोग को क्लास में ही याद हो जाती है। तैयारी हमारी अच्छी है, सर ने अच्छे से पढ़ाया है। सर चैप्टर लोड देते हैं, उससे हमें पता चलता है कि आगे सर क्या पढ़ाने वाले हैं, आज कौन टॉपिक पढ़ाया, आगे क्या पढ़ाएंगे। पढ़ाई हम लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अच्छी सर पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल देते हैं, डिजिटल मतलब बताते हैं, चैप्टर लेआउट मिलता है, उसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं, असाइनमेंट मिलता है, उसके बाद फार्मूला चार्ट मिलता है। हम लोग को जैसा मतलब सर पढ़ाते हैं 75% हम लोग को क्लास में ही समझा देते हैं, 20% अब हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे तभी हम कुछ समझ पाएंगे। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। जैसे कि सर पढ़ाने का तरीका है जो वो बहुत अच्छा है, और सेल्फ स्टडी करना चाहिए स्टूडेंट को, और बहुत अच्छे से करते हैं। कदम से तो आने लगे कितने अच्छे हैं, प्यारे हैं विजय मेरे सर, जिसने फिजिक्स पढ़ाया लगा दिल मचलने लगा, दिल महलने लगा, दिल मचलने लगा, देखो भारत माता की। थैंक यू। एक बार मजा आएगा, मजा आएगा तो एक बार खड़े होकर धूम मचा दो। थैंक यू ताली बजाएं भाई, और जोग नंदन सिंह सर जी को तो ताली बजाएं भाई। नतीन अंकल को पानी रहे हैं, अखिलेश सर, गौरव सर पानी रहे भाई, गौरव सर, मनीष सर, मनीष सर, कृष्ण महतो किधर, वो देखे अनेक लाइन है। वीर कुमार सिंह सर, मणिकांत सर को मालूम है पानी में आए जय श्री दुर्गा। वीर कुमार सिंह सर जी कहाँ कहीं भी आ जितने में बात पानी हो जाए मत, और वीर कुमार सिंह सर जी के लिए आप ही के सर हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये वाक्य सच कर दिखाया है एक ऐसे शिक्षक ने जो पूर्णिया से कोसों दूर गोपालगंज से चलकर 2016 में पूर्णिया पहुंचे थे, और यहां आने के बाद महज 10 से 20 बच्चों के साथ शुरुआत की थी कोचिंग सेंटर की। ये कोचिंग सेंटर आज एक बड़े संस्थान में बदल गई है, और आज वर्ष 2019 के अंत तक में बच्चों का कारवां 10-20 से बढ़कर तकरीबन 2000 के ऊपर चला गया है। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के विजय फिजिक्स की, और हमारे साथ मौजूद हैं विजय सर जो इस संस्थान के निर्देशक भी हैं। पहले विजय फिजिक्स के नाम से इंस्टीट्यूट चला करता था जो अब VCS यानी विजय का एक संस्थान बन गया है, जिसके अंतर्गत अब हर विषय की पढ़ाई होगी। हम इस पर बात करने के लिए इस खास मौके पर एक सम्मान समारोह और फेयरवेल पार्टी रखी गई थी 2019 के उस सेंटअप स्टूडेंट के लिए जिन्हें 2020 में
बारहवीं की परीक्षा देनी है, तैयारियां कैसी और आज के रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ खास है, हम बात करने के लिए मौजूद हैं। विजय सर, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। ये बताएं कि आज बच्चों के लिए क्या खास था और आज आपने उन्हें क्या दिया है? आज तो बच्चों के लिए बहुत खास है, जो आज सेंट अप कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का, वो लोग अपने बहुत उनका सिलेबस अच्छे से कम्प्लीट हुआ, वो लोग जाएँ अच्छे से अपना जो भी है एग्ज़ाम दें और अपने भविष्य में आगे बढ़ें। इसलिए आज के कार्यक्रम में क्या क्या रखा गया था, बच्चों को किस तरह से बताया गया कुछ? आज का कार्यक्रम में सबसे पहले तो जो बच्चे टॉपर हुए थे उनको सम्मानित किया गया, उसके बाद से जो है कि जो भूतपूर्व राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित थे उन्हें भी सम्मानित किया गया, प्लस उन्हों अच्छे से फेयरवेल ऑर्गेनाइज करके उन्हें सेंट अप यानी विदाई समारोह रखा गया है। बच्चों का उत्साह कैसा है सर आज? उत्साह तो आप खुद ही नज़र से देख सकते हैं और अभी कैमरा घुमाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। और बिल्कुल बताए थे बच्चों में उत्साह काफ़ी, हम बच्चों से ही बात करने के लिए आपको लिए चलेंगे, आपको एक एक करके हम उन बच्चों के पास चलते हैं। विजय सर हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विजय फिजिक्स में आखिर पढ़ाई किस तरह की होती है, उन्हें यहाँ क्या खास मिलता है जो अन्य लोगों से अलग है। कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो विजय फिजिक्स की ही हैं, हम छात्राएं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। विजय फिजिक्स में आप लोगों को खास क्या मिलता है? खास मिलता है जहाँ हमको फिजिक्स बहुत हार्ड लगता था 11th में, जब हम 12th में विजय फिजिक्स आए ऐसा लगता है कि विजय फिजिक्स क्या है, फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं, इतना आसान सर कर दिए हैं विजय सर पढ़ा के हम लोगों को, फिजिक्स लगता है फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर आज रिपोर्ट कार्ड भी दिया गया है, 2020 में आप पढ़ाई पूरी करेंगी अपनी, तैयारियाँ कैसी हैं? बहुत अच्छा है, विजय सर इस तरह से पढ़ाए हैं कि शायद घर में बहुत कम ही हम लोग को पढ़ने का जरूरत पड़ा और क्लास में ही बहुत कुछ याद हो गया हम लोग को। बिल्कुल, विजय सर की तारीफ यहाँ पर हो रही है। कुछ और बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, आप बताएं कि विजय फिजिक्स में आपको नया क्या मिलता है यहाँ पर जो अन्य इंस्टीट्यूट में नहीं मिल पाता है? आप बताएं क्या? चैप्टर लेआउट मिलता है, उसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं, सेमेंट मिलता है, उसके बाद फार्मूला चार्ट मिलता है। तैयारियां कैसी हैं 2020? बहुत अच्छी तैयारियां। विजय सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ और बच्चियां हैं, हम उनसे बात कर लें एक बार। आप बताएं कि विजय फिजिक्स में ऐसा क्या खास है जो बाकी क्लासों से आपको बेहतर बता दें? एजुकेशन तो सब जगह मिल जाता है लेकिन यहाँ रूटीनली स्टडी सर कैसे मतलब अपने बारे में बताते थे, कैसे पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को, कैसे मतलब अच्छा मार्क्स लाना है, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है सब बताते, इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा, आपके हाथ में रिपोर्ट कार्ड है और इसमें बताया गया कि सारी पढ़ाइयाँ हो गई है, तो क्या सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर? सारे टॉपिक्स कंप्लीट है। विजय सर ने कुछ डिमांड किया आप लोगों से कि 80% सबको लाते हैं, 100% ला सकते हैं आप लोग, तो क्या ये उम्मीद है? हाँ पूरी पूरी उम्मीद है। बच्चियों के यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर विजय सर ने जो पढ़ाया है 2020 में वो 100% भी ला सकते हैं। जी, जी। सर बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? बस कॉन्फिडेंस आता है, हम एनर्जेटिक हैं, वो भी एनर्जेटिक हैं, पढ़ाई जब उन्हें समझ में आता है फिजिक्स से, जब उन्हें थ्योरेटिकल समझ में नहीं आता प्रैक्टिकल समझाया जाता है, और जब प्रैक्टिकल वे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जब सभी समझ में आते हैं तो उनका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, ऑटोमेटिक उनके पास कॉन्फिडेंस रहता है, वो अपना एग्जाम अच्छे से देंगे। अच्छा सर ये बताएं कि 2020 की जो तैयारियां होती हैं आप कितने घंटे बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं? देखिए अब तो 2020 में बदल चुका है, हम जब तक क्लास में एब्सेंट रहेंगे तब तक डिजिटल LED लगा रहेगा दो, उसके थ्रू वो लोग न्यूमेरिकल में जो डिजिटल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं 10 मिनट, और जो उनका पढ़ाई का तरीका है पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी अगर नहीं समझ में आए तो प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, प्लस न्यूमेरिकल करते हैं ऑटोमेटिक वो अच्छे से अपना कॉन्फिडेंस होता है पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरी ओर जहां काफ़ी शैतान बच्चे भी हैं जो लगातार विजय सर के हर बातों पर तालियां बजा रहे थे। कुछ बच्चे भी हैं यहां पर जो विजय सर के हर बातों पर हाँ में हाँ मिला रहे थे और वाकई में जो इनका जोश था पूरे कार्यक्रम में वो देखने लायक था, हम उन बच्चों से बात करना चाहेंगे। सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं या पढ़ाई भी करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं। एक ही करके आप बताएं कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं जो भी पढ़ाते हैं, हालांकि हम लोग को जैसा मतलब सर पढ़ाते हैं 75% हम लोग को क्लास में ही समझा देते हैं, 20% अब हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे तभी हम कुछ समझ पाएंगे, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी वैसे ही कहा मतलब गया। मतलब आप 75% तो कम से कम ले आएंगे, बाकी मेहनत करेंगे तो 100 भी आते हैं। सर हमको ऐसे पढ़ाते हैं कि 75% क्लास रूम में ही हम लोग के दिमाग में ही हो जाता है सिर्फ। अच्छा ये बताइए कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयारियां आप लोगों की कैसी है और जो विजय सर पढ़ाते हैं उसको आप घर में जाकर कितना अप्लाई करते हैं? जैसे कि सर पढ़ाने का तरीका है जो वो बहुत अच्छा है,
और हाँ सेल्फ स्टडी करना चाहिए स्टूडेंट को और बहुत अच्छे से करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ काफ़ी है और ये सारे स्टूडेंट हैं जो 11वीं और 12वीं के हैं। आप तो जोश से भरे ये बच्चे लगातार विजय सर जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले राज्यसभा सांसद भी हो जाएं यहाँ से शिक्षा के क्षेत्र में। बता रहे थे विजय फिजिक्स की कहानी, बच्चे खुद बता रहे हैं कि वो किस तरह से पढ़ाई कराते हैं, क्लासरूम का माहौल कैसा होता है, पूरे 13 घंटे पढ़ाई कराते हैं और अगर वो नहीं अवेलेबल रहे तो आप डिजिटल के माध्यम से उनसे न्यूमेरिकल सीख सकते हैं। कुछ और बच्चे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि इस बार की तैयारियाँ कैसी है और विजय सर के क्लास में क्या खास है आपकी नज़र में। विजय सर क्लास में खास ये है कि आपको थ्योरी साथ प्रैक्टिकल भी मिलता है, आपको थ्योरी साथ प्रैक्टिकल की सुविधा मिलती है, यह सबसे बड़ी बात है। सर कोई टॉपिक पढ़ाते हैं जैसे बेंडिंग ग्राफ जनरेटर पढ़ाए तो बेंडिंग ग्राफ जनरेटर ला के उसका पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे जैसे एक कैपेसिटर है कैपेसिटर बनाना सिखाए, कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है, सब सही बच्चों ने बनाया, मैंने ही बनाया, अच्छा लगा। आप थ्योरी साथ प्रैक्टिकल की पढ़ाई करते हैं सर, अच्छे हैं, पढ़ाते अच्छे हैं। हर डिजिटली किस तरह से पढ़ाई होती है? डिजिटली जैसे एससी वर्मा है, एससी वर्मा के साथ न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स, ये जैसे आईआईटी का कुछ प्रोडक्ट सब आता है, एलएन का, रेजोनेंस का, ये सब के टीचर सब का भी वो रखे हैं जिनसे हम लोग पढ़ाते हैं, बैच चलता है, अच्छे से पढ़ाते हैं सर हम लोग। और तो बिल्कुल ये पढ़ाई के तरीके को बता रहे थे। कुछ और बच्चों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रेफरेंस बुक यहाँ पर चलता है या नहीं है। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, आप बताएं कि क्या यहाँ पर जब रेफरेंस के तौर पर किताबों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, किस तरह से आप लोग पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई हम लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अच्छी सर पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल देते हैं, डिजिटल मतलब बताते हैं सर, अच्छी तरह से प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, हम लोग अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं सर, अच्छी तरह से थ्योरी कराते हैं। अच्छा, पूर्णिया के अलावा यहाँ कहाँ कहाँ से छात्र आते हैं जो शहर के बाहर के हों? पूर्णिया के अलावा मतलब मधेपुरा, सुपौल डिस्ट्रिक्ट हुआ, पूर्णिया हुआ, अररिया भी, हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं, जदिया तरफ से हैं, त्रिवेणीगंज प्रखंड से। अच्छा, ऐसे मतलब बाहर के लोग भी यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, बाहर के लोग भी पढ़ते हैं, कई जगह मिलता है, बहुत अच्छा माहौल मिलते हैं। तो बिल्कुल सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूर्णिया के आसपास के ज़िलों के भी छात्र छात्राएं यहां आते हैं, विजय फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं और यहां से रिजल्ट का बादशाह कहे जाने वाले विजय सर का नाम रोशन करते हैं। हर साल हमने देखा है कि 2016 से लेकर 2019 तक में कितने बदलाव आए हैं। अब चलते चलते हम आखिर में बात करना चाहेंगे विजय सर से। सर, इतने शहर के लोग आपके पूर्णिया आते हैं और विजय फिजिक्स को चुनते हैं, ऐसे में 2020 में जब बच्चे आप 2020 में जब बच्चे एग्ज़ाम देंगे, 12वीं की परीक्षा देंगे, उनके लिए क्या ख़ास संदेश है आपके लिए? जो 2020 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ख़ास संदेश यही है कि वो बहुत अच्छे से एक महीने तैयारी करें, जो भी सर लोग पढ़ाए हैं, और वो अपना एग्ज़ाम में वेस्ट करें और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएँ, एडमिशन कराएँ और अपना जो भविष्य है उसको संवारें, बस और देश के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए काम करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं उन लोग के लिए जो असेंट अप कर रहे हैं 2020 के एग्जाम के। तो बिल्कुल ये वो छात्र छात्राएं हैं जो 2020 के 12वीं परीक्षा के लिए सेंट अप कर रहे हैं और उनकी शुभकामनाएं, विजय सर की शुभकामनाएं उन छात्र छात्राओं के साथ है इस फेयरवेल पार्टी में और सम्मान समारोह में। आज बहुत कुछ इन बच्चों के लिए सुनाया गया है, बहुत सारे टिप्स दिए गए हैं और उम्मीद की गई है कि 2020 में इनका भविष्य उज्जवल हो। कई लोगों ने ये दावा भी किया है कि हाँ, 100% नंबर लाने की वो पूरी कोशिश करेंगे और अपने सर के उस गर्व को, मान को और बढ़ाएंगे। अब बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए SJ News अपने सहयोगी तहजीब के साथ में। तहसीन अली।